Hello children, chapter number 3, Kingdoms of the North India. We will study in this chapter the political condition of North India after the death of Harshvardhan, rise of small kingdoms like Gurjar Pratihars, Pal, Parmar, Kalchuri, Chauhan and Chandels, the Turkish aggression on India, the changes which took place in society in the field of economy, religion, art and learning. In 647 AD, after the death of Harshvardhan, his empire was divided into small principalities as he had no successor. Many regional kingdoms rose to power and the rulers of these kingdoms came to be known as the Rajputs. The main among them were the Gurjar Pratihars, Pals, Kalchuris, Parmars, Chauhans, Chalukya, etc. The Rajputs are known for their bravery, courage, valor and patriotism. 647 AD में हर्षवर्धन की डेथ के बाद उसका जो एम्पायर था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था और इस तरह से छोटे छोटे राज्यों का, छोटे छोटे किंगडम्स का फिर उसमें उदय हुआ और इन राज्यों में शासन करने वाले बहुत सारे हुए, गुर्जर, प्रतिहार, पाल, करचुली, परमार, चौहान, चालुक्य एक्सेट्रा. और जो राजपूत थे उनमें से वो अपनी वीरता, साहस, मातृभूमि के प्रति समर्पण और शौर्य, इन सब चीजों के लिए वो जाने जाते थे. ना ओरिजिन ऑफ द राजपूत. सेवरल थ्योरीज हैव बीन एडवांस्ड अबाउट द ओरिजिन ऑफ द राजपूत, बट मोस्ट ऑफ द इंडियन हिस्टोरियंस बिलीव दैट दे आर द descendants the क्षत्रिय of the Vedic period. बहुत सारी कहानियां हैं इस बारे में कि राजपूतों का उदय कहाँ से हुआ, लेकिन बहुत सारे जो इंडियन हिस्टोरियंस है वो यही मानते हैं कि वैदिक पीरियड के समय ही क्षत्रियों का उदय हुआ. नाउ द गुर्जर प्रतिहार्स. देयर वर थ्री ब्रांचेस ऑफ द प्रतिहार्स. द मेन ब्रांच वॉज ऑफ द प्रतिहार्स ऑफ उज्जैनी. Nagbhat was the founder of this dynasty. The kings of this dynasty ruled for long period over Madhya Pradesh, Gujarat, Uttar Pradesh and Rajasthan. Nagbhat first, Vatsaraja, Nagbhat second, Mihir Bhoj and Mahendrapal first were some of the main rulers of this dynasty. The struggle among the Pratihars, Pals and Rashtraputs of the south for the supremacy over Kannauj is known as tripartite struggle. The Pratihar ruled Mihir Bhoj was the most powerful ruler of this dynasty. The Pratihar rulers established पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया फॉर सम टाइम. इस गुर्जर प्रतिहार जो वंश था, गुर्जर प्रतिहार वंश में इनकी तीन ब्रांचेस थी, तो इनमें से जो मेन थी वो उज्जैनी के प्रतिहार जो थे उनकी जानी जाती थी. इनमें नागभट्ट जो था वो फाउंडर था गुर्जर प्रतिहार वंश का, और इस वंश के राजाओं ने मध्य प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, इन जगहों पर उन्होंने बहुत लंबे समय तक फ्रीली उन्होंने वहां पर रूल किया. नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट वत्सराज, नागभट्ट सेकेंड, मिहिर भोज और महेंद्रपाल ये इस वंश के जो थे मेन रूलर थे. इसके साथ साथ प्रतिहार, पाल और जो राष्ट्रकूट थे, साउथ के राष्ट्रकूट थे, इन्होंने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लंबे समय तक युद्ध किया और इस युद्ध को इसलिए ट्रिपार्टीज स्ट्रगल कहा जाता है. ट्रिपार्टीज स्ट्रगल मीन्स त्रिकोणीय युद्ध, त्रिकोणीय संघर्ष. तो इसमें मिहिर भोज फर्स्ट जो था वो सबसे प्रतापी राजा था और उसने प्रतिहार जो थे उनका नाम बहुत ऊंचा कराया और उनमें यूनिटी स्थापित की. आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन इन 647 AD, फ्रॉम 800 AD टू 1200 AD,
देयर वर कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स एमंग राजपूत्स प्रतिहार्स पाल्स एंड अदर राजपूत्स डायनेस्टी। 647 एडी में जबकि हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 800 एडी से लेकर के 1280 तक के सारे लोगों के बीच में राष्ट्रकूट पाल गुर्जर इन सब के बीच में कंटिन्यूअसली राजपूत इनके बीच में कंटिन्यूअसली जो युद्ध थे या संघर्ष था वो होते रहे।